राजधानी रायपुर में उड़ीसा दौरे के बाद चुनावी माहौल को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने बयान में कहा कि 24 साल से नवीन पटनायक की सरकार है, लेकिन उड़ीसा की जनता परेशान है। चारों ओर भ्रष्टाचार का वातावरण है, लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इसके आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि माता बहनों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उड़ीसा की जनता परिवर्तन चाहती है। उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनने वाली है। इसी क्रम में भाजपा के वास्तु दोष वाले पोस्टर पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है, तभी से शासन से कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, उसके तहत ही लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस को मिलने वाली। पिछले 24 सालों से उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, पर उड़ीसा के लोग आज परेशान हैं। एक तरफ जहां राज्य में चहुंओर भ्रष्टाचार का वातावरण है, लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं, माताओं बहनों का सम्मान सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, विकास में पिछड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात जनता के प्रति जवाबदेह सरकार नहीं है। देखिए, उड़ीसा छठा हमारे प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश है, और उड़ीसा के लोगों की न केवल छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी है, लगातार आना जाना होता है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा उड़ीसा में बहुत है और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं।